छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया थाने में मुस्लिम समुदाय की शिकायत पर पूर्व मंत्री पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल भाटिया पर मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणी देने पर दर्ज किया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्लिम समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी। पूर्व मंत्री भाजपा टिकट से खुज्जी विधानसभा के लिए 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। राजेंद्र पाल भाटिया पर मुस्लिम समाज की शिकायत पर गैर जमानती अपराध छुरिया थाने में दर्ज हुआ है। बता दें कि सोशल मीडिया के एक व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट डालना पूर्व विधायक राजेंद्र पाल भाटिया को भारी पड़ गया। पुलिस ने उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। विदित है कि राजेंद्र पाल भाटिया ने व्हाट्सएप ग्रुप चलो गांव की ओर में इस्लाम धर्म व अजान को लेकर आपत्तिजनक लेख वायरल किया था, जिसकी शिकायत छुरिया सुन्नी जमात के द्वारा की गई थी और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को ज्ञापन सौंपकर राजेंद्र पाल भाटिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई थी। यहां आपको बताते चले कि छुरिया थाना के थाना प्रभारी द्वारा मामले की जांच अमल में लाई जा रही है। आरोप है कि छुरिया निवासी राजेंद्र पाल भाटिया हमेशा धर्म विशेष के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते रहते हैं। इनके विरुद्ध 2-3 बार पहले भी शिकायत हो चुकी है। एक शिकायत में इन्हें माफी मांगने की दलील देकर छोड़ दिया गया था। इसके बाद भी वे लगातार धर्म विशेष के खिलाफ आपराधिक अपमानजनक पोस्ट करते रहे। इसी को लेकर छुरिया मुस्लिम जमात द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि जांच में ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी कार्यवाही हो सकती है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या क्या आप लोग किए हो और कार्रवाई के नाम पे क्या क्या हुआ है? हम लोग उसकी शिकायत छुरिया थाना में किए थे, व्हाट्सएप में, वो सामाजिक दुर्भावना के लिए सामाजिक दुर्भावना फैलाया जाता है। उसकी शिकायत हमने यहाँ छुरिया थाना में किए थे। छुरिया थाना से कार्रवाई नहीं हुआ तो अपन SP कार्यालय में जाके उसका सूचना दिए, जिसके बाद SP साहब के संज्ञान में आने के बाद उसमें कार्रवाई करने का आदेश दिया। और यहाँ से थाना प्रभारी द्वारा कुछ और बताया दी गई थी कि अजान देने का तौर तरीका कैसा होता है और अजान में क्या 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 बोला जाता है और बोलने के साथ साथ आखिरी में हिंदी में उसका अनुवाद भी बताया गया था। तो ये जो जानकारी उसमें दी गई थी, इसमें ये जो जितनी जानकारी थी, ये जो व्हाट्सएप मेरे पास आया था, उस व्हाट्सएप को मैंने 1 या 2 ग्रुपों में उसको फॉरवर्ड किया, परंतु इस व्हाट्सएप के अंदर और मेरा कहीं पर ये भावना नहीं थी कि किसी भी धर्म को या किसी की धार्मिकता को कहीं पर ठेस पहुंचे। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया के खिलाफ FIR दर्ज हो सर, क्या है सर मामला? छुरिया थाने में मेरा शरीफ सदर है सुन्नी जामा मस्जिद छुरिया के, उन्होंने अजान को लेके और मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस पर थाना छुरिया में धारा 295A ताजरात हिंदू का मामला पंजीकृत करके देखने को मिल गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.